हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्ञान और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी लेट हो गया मुझे एनालिसिस वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं घर पे नहीं था, कहीं बाहर गया हुआ था। और मुझे जूम पे भी आना था आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा क्वेरी था। तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं आज शाम को जो है आऊँगा तो आप लोगों से जूम पे बात करूँगा, क्योंकि बारी बारी से सबको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। और सबका जो क्वेश्चन था सेम सेम ही था कि ट्रेड लेता हूँ, लॉस होता है, प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाता हूँ। बहुत मतलब सिमिलर ही क्वेश्चन लोगों के थे, है ना। जब जब स्टॉप लॉस लगाता हूँ एसएल हिट हो जाता है, इसलिए मैं एसएल नहीं लगाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन आज हम अपना गोल्ड पे हम जो है लाइव एनालिसिस कर लेते हैं। देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड हमारा किस तरह से मूवमेंट होता है। और फ्रेंड्स, बोलना चाहूँगा जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज्वाइन कर लें, हमारा डेली लाइव स्ट्रीम होता है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में अगर हम देखते हैं तो गोल्ड हमें बुलिश नज़र आता है, और इसका जो हाई है उसको हम मार्क कर ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये इसका हाई लगा है, तो इस हाई को हम मार्क कर लेंगे। एरिया कौन सा है? 2479.150, ये एरिया है। और इसका अगर हम लो मार्क करते हैं, फॉर एग्जांपल इसका लो भी हम मार्क कर ले रहे हैं कि वीकली लो क्या बना है, तो आप वीकली अगर लो देखोगे तो 2371 का इसका लो लगा है और 2479 का इसका हाई लगा है। तो ये तो हो गया इसका लो और हाई, इसको हमने मार्क कर लिया है। हम डेली में आ जाते हैं। डेली में फ्रेंड्स आते हैं तो हमें देखने को मिलेगा मार्केट ने इस जोन से सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की तरफ गया, और ये जो हाई लगा है 2479 का, ये हाई लगाने के बाद प्राइस फ्राइडे वाले दिन लो, एक लो भी लगाया है। और ये लो क्या लगाया है? प्राइस ने जब यहाँ से बुलिश मोमेंटम स्टार्ट करा तो हाई लगने के बाद क्या लो बनाया फ्राइडे का? ये लो बनाया है 2410। तो 2410 हमारा एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा नेक्स्ट वीक। इसको अब हम चार्ट को 4 घंटे टाइम फ्रेम में कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको अगर हम 4 घंटे में लगाते हैं ना, तो एक चीज अपने को दिखेगा यहाँ पे कि प्राइस ने लो बनाया, पहले प्राइस हायर हाई लगा रहा था। तो फ्रेंड्स पहले देखोगे आप, प्राइस पहले हायर हाई लगा रहा था, यानी हायर हाई, देन लो, उसके बाद हाई, देन छोटा लो और फिर से हाई। उसके बाद अब देखोगे प्राइस सीधा नीचे आया और यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाई आई। फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग बाई आई, और ये कौन सा जोन है? ये जोन भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा जोन है। इसने मार्केट ने, मुझे ऐसा लगता है कि 50% जोन को अपना करेक्शन कर लिया है। तो हम एक फीबो लगा के देख लेते हैं कि क्या ऐसा हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ से यहाँ तक का फीबो लगा लेते हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप देख पाओगे 2442 का जो जोन है, ये 50% रिट्रेसमेंट जोन है। तो ये जोन भी हमें मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि इस जोन को हम गोल्डन रेशियो जोन बोलते हैं, जहाँ से प्राइस रिट्रेसमेंट लेने के बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है। तो बड़े टाइम फ्रेम में ये जरूर बुलिश है, लेकिन अगर आप 4H के चार्ट में देखोगे तो मार्केट ने एक बड़ी रेड कैंडल, एक बेयरिश रेड कैंडल बनाई है यहाँ पे, बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल, और यहाँ से 24-10 वाले एरिया से बाई आई है। 24-10 का एरिया यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है फ्रेंड्स। तो प्राइस ने जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेने के बाद इसको डाउन साइड आना चाहिए मंडे वाले दिन। और फ्रेंड्स, अगर प्राइस ने इस लो को ब्रेक किया तो ये नीचे आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है? नीचे का लेवल है 2371, देन 2371 को ब्रेक करता है तो प्राइस और भी नीचे जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मार्केट में यही है, अगर मार्केट 2400 से ऊपर क्लोजिंग कर जाता है, 1 आवर की क्लोजिंग कैंडल हो जाती है 2450 से ऊपर, तो मार्केट ऊपर निकल सकता है। वरना मार्केट को जो है 2450 तक मैक्स मैक्स जाना चाहिए, यहाँ से सेलिंग आना चाहिए। और जो इसका नीचे सपोर्ट बन रहा है, वो सपोर्ट कहाँ बन रहा है आप देखोगे तो यहाँ पे बन रहा है फ्रेंड्स। एक सपोर्ट यहाँ पे इसका बन रहा है 2430 पे। 2430 को ये ब्रेक करता है तो डाउन साइड फिर ये 2415 2410 के लिए दोबारा से आ सकता है। तो ये मेरा एनालिसिस रहेगा कल के लिए और आने वाले वीक के लिए फ्रेंड्स, कि मार्केट पहले या तो ऊपर की तरफ जाएगा। मार्केट पहले ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम पास करके मार्केट जो है यहाँ से एक सेलिंग दे सकता है नीचे की तरफ। तो पहला सपोर्ट हमारा यहाँ पे बन रहा है, फिर दूसरा सपोर्ट हमारा यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के पास बन रहा है, और ये जो एरिया है ये 2419
और 2410 का एरिया नीचे बन रहा है। 2410 को ये ब्रेक करता है और अगेन ये रीस्टार्ट रीटेस्ट करता है, तो यहां से जो है हम सेलिंग यहां तक का देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां तक का 2371 तक का। 2371 के बाद नीचे अगर जाएंगे तो नीचे का जो लेवल बन रहा है वो ये लेवल बन रहा है 2350 का। तो 2350 तक का लेवल अपने को दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अगर ये दो सिनारियो हैं, एक तो ये सिनारियो हो गया कि प्राइस यहां तक आए और यहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, या फिर एक सिनारियो ये हो सकता है कि कोई H1 या H4 की कैंडल ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो प्राइस अगेन यहां तक आएगा और इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट मिल जाता है अपने को तो प्राइस फिर बुलिश है और प्राइस फिर एक नया हाई बनाएगा, 2500 2550 तक भी जा सकता है। तो मार्केट ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये बुलिश साइड में है, बाई ट्रेंड में है, लेकिन एक छोटा सा रिट्रेसमेंट सेल अगेन यहां से आ सकता है क्योंकि मार्केट अब देखोगे बड़े टाइम फ्रेम में तो हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है और हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया है, सेलिंग हुआ है और बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बना है, तो ज्यादा चांसेस यही है कि प्राइस जो है अपना इस जोन के पास आए और यहां से अपने को एक सेल मिले 2430 तक, उसके बाद नीचे 2420 2410 यहां तक का सेलिंग आता है। और यहां पे आप देखोगे कि नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी, 2420 के नीचे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी और 2410 पे भी एक सपोर्ट है। तो प्राइस अगर यहाँ से अगेन जाता है, रिट्रेसमेंट लेता है, तो हम ऊपर का छोटा सा एसएल रख के, $3 $4 का एक एसएल रख के आराम से हम जो है नीचे तक का सेलिंग देख सकते हैं 2371 तक का। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। और फ्रेंड्स हम लाइव में मिलेंगे, तो कल आप हमारी लाइव जरूर ज्वाइन करें सुबह 9 बजे, और मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।